सुलह विधानसभा क्षेत्र के संगम पैलेस अरला में हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 332 लाभार्थियों को इंडक्शन हीटर वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन 2009 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए कानून लागू होने से कामगारों को लाभ मिलना आरंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों तथा इनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए श्रम कानून में संशोधन किया गया था ताकि श्रमिकों को अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें अपनी अथवा बच्चों की शादी के लिए 51,000 की सहायता, मातृ पितृ प्रसुविधा में बच्चे के जन्म पर 25,000 की सहायता, आठवीं से पीएचडी इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा के हेतु वित्तीय सहायता, मेडिकल चिकित्सा सहायता 50,000 से 1,00,000 रुपए तक, पेंशन सुविधा, अंतिम संस्कार तथा पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना में होने पर 4,00,000 तथा प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश भवन व सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से जिला कांगड़ा में सराहनीय काम हुए हैं और इसे असंगठित क्षेत्र के 15,360 श्रमिकों को अब तक 15,60,00,000 के लगभग विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चारिताएं पूर्ण हुई तो ये लाभ आपको प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हुआ या आपके आगे से आगे घर के किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का, श्री जयराम ठाकुर जी का और जो इस विभाग के मंत्री हैं श्री विक्रम ठाकुर जी, आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां पूरे प्रदेश में हमारा ये श्रम कल्याण बोर्ड लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है उसमें सुलह विधानसभा क्षेत्र भी अग्रणी है। मैं आपका इस मंच के माध्यम से, विभाग के माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा। ये मन बनाया, वर्षों देखा है उस सरकार को, आजादी के बाद जिनके हाथों में सौंपी थी बागडोर उनको एक तरफ बिठाएंगे, नए उत्साह और नई जिज्ञासा के साथ एक नया संदेश आपने दिया था और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश की बागडोर संभाली थी, इसलिए जो आज कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके दूरदृष्टि के कारण हो रहा है और जो आज लाभ मिल रहे हैं याद रखना माध्यम फार्म को बढ़ाने वाला कोई सज्जन हो। श्रमिक भाइयों और बहनों इसलिए करवाई कि मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, करना चाहिए, जरा जोर से बोलिए, हाथ खड़ा करके बोलिए। तो मैं आपका आपकी आवाज वहां तक पहुंचाऊंगा जब दिल्ली उनसे मिलूंगा। हुआ था एक कार्यक्रम, फैसला लिया था प्रधानमंत्री जी आपका आभार इसलिए कि आप सुरक्षित रहने चाहिए, जिंदगी में काम चलते रहेंगे, ये इलेक्शन चुनने भी कई बार मिलते रहेंगे पर जीवन बचेगा, हम सुरक्षित रहेंगे तो चिंता किसने की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। बहुत मजाक बना।